नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा दीपक क्रिएशन से आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मेरे पास है जियो फोन और आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है जियो फोन और इस पे देख सकते हैं आप, यहाँ पिक्चर बनी हुई है जियो फोन की, जहाँ पे जियो के सारे ऐप्स दिखाए हुए हैं और यहाँ पीछे की तरफ सारे जियो की सर्विसेज दिखाई हुई है। यहाँ सारे माई जियो सब है इसमें। और यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं केबल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो आइए इसे खोलते हैं। तो यहाँ से हम खोलेंगे इसे, ये खुल गया है यहाँ। और अंदर है ब्लैक कलर में जियो का फ़ोन, ये है जियो का फ़ोन ब्लैक कलर में। यहाँ देखिए पीछे LYF लिखा हुआ है और एक कैमरा है पीछे, इसे हम फिलहाल साइड पर रखते हैं और देखते हैं बाकी बॉक्स में क्या एक्सेसरीज है। यहाँ एक है QR कोड जिसका अभी कोई काम नहीं है, और यहाँ एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल और ब्ला 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 जियो फोन के बारे में दिया गया है, जो किसी काम का नहीं है फिलहाल। और यहाँ इस कंपार्टमेंट को खोलते हैं और देखते क्या है। और हाँ, इसमें है चार्जर, एक 5 वोल्ट का चार्जर है, LYF लिखा गया है जिसमें, तो इसे हम साइड पर रखते हैं। और यहाँ है एक बैटरी, ये बैटरी छोटी सी जो काफ़ी पावर दे देगी जियो फोन को चलने के लिए। तो ये है आपका जियो फोन। तो अब हम इसमें ये बैटरी डालेंगे LYF की और इसे बूट करेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं पीछे से। पहले ये मैंने इसे खोल दिया और इसमें मैंने देखिए जियो का सिम जो मिलता है जियो फोन के साथ उसे डाल दिया है। और आप इसमें 128 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, 128, तो बढ़िया है स्टोरेज। तो अब हम इसे डालते हैं। ये देखिए हमने इसे डाल दिया, तो अब इसे बंद कर देते हैं। ये बंद भी हो गया, अब इसे हम बूट करते हैं। ये लाल बटन दबाना होगा हमें बूट करने के लिए। और ये देखिए यहाँ बूट हो गया है जियो का फ़ोन। और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है KaiOS, जो एक नया टाइप का OS है जो यहाँ जियो फ़ोन में इस्तेमाल किया गया है। देखते हैं ये OS कैसा है और क्या हमें इसमें एंड्रॉयड की फीलिंग आती है कि नहीं। ये देखिए जियो का फ़ोन बूट हो रहा है यहाँ, ये आ गया जियो डिजिटल लाइफ। तो देखते रहिए ये बूट हो रहा है, तब तक हम इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ फ्रंट कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का है और यहाँ बैक कैमरा है आपका 2 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे आपका स्पीकर है जहाँ पे LYF यहाँ नीचे लिखा गया है। और यहाँ एक 3.5 mm का ऑडियो जैक है, यहाँ फ्लैश लाइट है आपकी। और ये आप देख सकते हैं चार्जर इनपुट, बस बाहरी इनपुट्स तो यही है यहाँ। और एक 2.4 इंचेस की स्क्रीन है जहाँ यहाँ जियो लिखा गया है, और एक कीपैड जो आपको आम फोन्स में देखने को मिलती है। और ये यहाँ खुल चुका है जियो का फ़ोन और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं जियो 4G लिखा हुआ है। और यहाँ वोल्ट, और ये देखिए स्टार्ट होते ही डाउनलोडिंग फॉर्मवेयर आ गया है यहाँ। ये देखिए वोल्ट और टाइम दिखा रहे हैं यहाँ। और ये देख सकते हैं ये है इसका मेनू। तो अब हम इसे जांचते हैं, स्क्रीन है इसकी, यहाँ देख सकते हैं आप इसकी स्क्रीन 2.4 इंचेस की स्क्रीन है। और यहाँ कीपैड है बढ़िया वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ बीच का बटन है, ये आप दबाएंगे बीच का बटन तो यहाँ आपका मेनू खुलेगा। तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं जियो के सारे ऐप्स है इसमें, ये देख लीजिए आप। तो आप फिर अलर्ट्स के बटन, ये वाले बटन को दबाएंगे तो अलर्ट्स जो भी होंगे वो खुल जाएंगे। फिर आप ये वाले बटन को दबाएंगे तो यहाँ आपका कैमरा खुल जाएगा, ये देखिए उसका कैमरा। जियो फ़ोन की सेटिंग्स यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब है, एयरप्लेन मोड है, मोबाइल नेटवर्क एंड डेटा है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है। बस आपको एक ही चीज़ की कमी पड़ेगी यहाँ, हॉटस्पॉट, तो आप अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो आगे वाले अपडेट्स में शायद आ सकता है ये। तो जियो से दरख्वास्त करता हूँ मैं कि हॉटस्पॉट लाया जाए यहाँ। आप एंड्रॉयड जैसे पूरे सेटिंग्स से देख सकते हैं, सब कुछ एंड्रॉयड जैसा है। प्राइवेसी, स्टोरेज आप देख सकते हैं यहाँ 1 GB की स्टोरेज है। और ये डिवाइस इंफॉर्मेशन, बैटरी, डाउनलोड, यही सब है, तो पूरा एंड्रॉयड जैसी आपकी फीलिंग आएगी। तो यहाँ सब कुछ है, पूरा एंड्रॉयड जैसी फीलिंग आ सकती है। बढ़िया फ़ोन निकाला है जियो ने,
तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि आप 1500 में हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा ये फ़ोन, क्योंकि 1500 में ऐसा फ़ोन कोई नहीं देता है। तो यही है मेरे ओपिनियंस। आप यहाँ इसकी सेल्फी है, ये देखिए यहाँ मेरा चेहरा दिख रहा है, यहाँ पे अच्छी सेल्फी है। इसका कैमरा बहुत ही बढ़िया है, और बाकी हम स्क्रीन पे फोकस करते हैं तो आप यहाँ सारे बटन्स देख सकते हैं, ये देखिए सब वर्क करते हैं बढ़िया से। आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ ये देखिए जियो का वीडियो कॉल ऐप भी है यहाँ। ये मेन्यू में जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, ये रहा देखिए जियो वीडियो कॉल, यहाँ से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने यहाँ। ये देखिए इसका, हाँ बस, और इसमें क्या है ज़्यादा बात करने के लिए, और बात करके कुछ मज़ा भी नहीं आएगा। मज़ा तो तब आएगा जब आप इसे यूज़ करेंगे। तो जल्दी से जल्दी बुक करिए और ख़रीदिए, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और स्टॉक बहुत कम है। तो जल्द से जल्द बुक कीजिए ताकि जल्द से जल्द आप इसको यूज़ कर सकें। तो यही है मेरे ओपिनियंस इस जियो फ़ोन के बारे में। काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, 1500 में काफ़ी कुछ दे रहा है जियो, और 1500 में कोई अच्छा फ़ोन तो मिलता नहीं है। तो आप इसे ज़रूर लीजिएगा। तो आपको कोई भी डाउट हो इस जियो फ़ोन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा इसका। और आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।